Hey guys, welcome back to my channel, Hoi Hoi Channel. तो जी आ गए हैं, मुखी आ गया, ठीक है। तो जी रीडिंग आए हैं, रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक, और जल्दी आए हैं सुबह क्योंकि क्लास है हमारी। पता नहीं फिर इसके बाद समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में बहुरी होएगी, बहुरी नहीं पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जी बहुरी का पता नहीं हम कब करेंगे, इसलिए हमने सोचा अभी कर लेते हैं बहुरी, तो मतलब रीडिंग कर लेते हैं, मतलब अरे भाई कर लेते हैं रीडिंग, मतलब ठीक है। तो ये है अभी तक का अपडेट, इस्तेमाल कर रहे हैं एंजल टैरो, ठीक है, और आज से क्लासेस स्टार्ट है भाई। तो अभी तो 11 बज गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं अभी 12 बजे से क्लासेस है, तब उससे पहले हम जो है ये रीडिंग कोशिश करेंगे अपलोड पे डाल दें, अगर सब कुछ दुरुस्त रहता है तो, ऑब्वियसली इंटरनेट भी और लाइट भी है ना। तो ये है, अरे हाँ वो है ना आज करवा चौथ है, शायद नहीं आज है करवा चौथ है, तो सब लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। भाई त्योहारों का सीज़न है, कुछ ना कुछ तो रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा, तो हमारी तरफ से आपको, आपका जो मुखिया है, मुखिया की तरफ से आप सबको जो है ढेर सारी उस चीज़ के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा टैरो डेक, ओके, तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है। हीलिंग हम अभी नहीं दे रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारा थोड़ा देख लो ना यार, हील हो जाओगे अपने आप। क्या जो भी है भाई, मजाक अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स, वाई आई एम हियरिंग द फ्रेज लाइक एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स, हर वो चीज़ जो चमकती है, हाँ तो उसके आगे क्या है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स, इसके आगे भी तो बताओ आर्क एंजल माइकल, गॉड एंजल्स प्लीज़ इसके आगे भी तो बताओ ना, जो चीज़ चमकती है उसके आगे क्या, आप क्या कहना चाहते हैं। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, फाइनली उन्होंने कंप्लीट किया है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब है पीली चीज़ में और गीली चीज़ में फ़र्क करना सीखें, ठीक है। अरे फ़र्क करना आप कब सीखेंगे भाई, वैसे हम सिखा देंगे आप, ठीक है, एक टाइम पर आप ऐसे माहिर हो जाएंगे ना कि फ़र्क करना, मतलब जैसे किसी चीज़ में फ़र्क करना होगा ना, सबसे पहले कर्मा बिलीवर्स लपक के आएंगे कि फ़र्क करना है, कहाँ करना है बताओ, कहाँ करना है फ़र्क करना, हम करते हैं बताओ, हमको मुखिया ने ऐसा भर भर के अच्छी तरीके से जो है इतना इस चीज़ में इतना महारत हासिल कर लिया ना कि फ़र्क करना तो अब कोई कर्मा बिलीवर्स से सीखे ना। वैसे सपोर्ट पहला कार्ड आया है यहाँ पे, सिक्स ऑफ कप्स सपोर्ट, ओके, तो सिक्स ऑफ कप्स आ गया है जी पहला कार्ड, ठीक है। पुरानी चीज़ों में कुछ लोग पुरानी मेमोरीज़ को चेरिश कर रहे हैं, बहुत पुराने ख्यालों में खोए हुए हैं, पुराना नॉस्टैल्जिया, ठीक है, 90s का वक्त जो बहुत उन प्यारी प्यारी जो यादें हैं उनको बहुत सारे लोग या तो रिकिंडल कर रहे हैं, रिजॉयस कर रहे हैं, या तो उनको उन यादों को वापस से जीना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं कुछ लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्रिएट कैसे, अब जाहिर सी बात है कि तब चंद्रकांता आता था 90s के टाइम पे, तो जाहिर अब रिक्रिएट आप कैसे करेंगे, अब दोबारा तो आप चंद्रकांता नहीं आएगा ना, तो रिक्रिएट मतलब कुछ चीज़ों को, जैसे होता था कि यार वैसे कुछ भी कहो 90s का टाइम बड़ा ही अच्छा, हमें बहुत पता है, हम बाजी करके गाने सुनते थे उस समय, हमें जो जितना याद है ना, तो हम कैसेट
प्लेयर पे कैसेट प्लेयर होता था ना, टेप रिकॉर्डर होता था, उस पर हम बाजीगर के गाने सुनते थे, ठीक है, यस बॉस मूवी के, परदेस मूवी के, ये सारा सारा दिन कैसेट पे ये गाने बजते रहते थे, ठीक है। तो रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे लोग कि कितना अच्छा लगता था। और आप लोग बाहर निकलते थे तो उस समय ना एक मूवी आई थी राजा हिंदुस्तानी के नाम से, और वहाँ पे सारा सारा दिन परदेसी जाना नहीं यही गाना बजता रहता था जहाँ निकलो, ठीक है, कोई फैक्ट्रीज है कुछ, कहीं पर भी सड़कों पे परदेसी परदेसी, यहाँ तक कि रिक्शे वाले भी जो है परदेसी परदेसी टेप रिकॉर्डर पे बजाते हुए जाते थे। तो ये गाना बहुत चला था। और एक गाना आया था ऐसा कुछ, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभा, ये गाना आया था, होता है एक टाइम पे 90s के दौरान, वह 90s वाले किड्स को याद होगा, ये गाना आया था, अल्ताफ राजा का गाना था। तो गाना अच्छा है, देखो अच्छा था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओ, गाना देखो गाना उम्दा है, ठीक है। वो मजाक, जिनको संगीत की कदर करनी आती है, जिनको संगीत की नॉलेज है ना, उनको पता है कि गाना अच्छा है ये वाला, ठीक है, हमें अच्छा लगता है भाई, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ठीक है। तो वर्डिंग्स भी अच्छे हैं, कंपोजिशन भी अच्छा है, और जिन्होंने गाया था वो भी, गाना भी बहुत अच्छा है, उम्दा है। तो ये चीज़ें बड़ी नॉस्टैल्जिक वाली वाइब्स देती है। हालांकि हम आपसे यही कहना चाहते थे कि आप लोगों को याद है ये सब चीज़ें, याद आती है आप लोगों को। अच्छा, एक किस किस को कमेंट करके बताना, जो जो चीज़ें हम पूछ रहे हैं ना वो चीज़ें किस किस ने देखी है और किस किस को पता है, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा, एक गेम खेलते हैं, ठीक है। लेसंसी साबुन आता था एक, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, 90s वालों को याद होगा, ठीक है। और उसमें ऐड आता था राहुल पानी चला जाएगा, वो नहाते नहाते लेसंसी साबुन का ऐड आता था, तो एक राहुल पानी चला जाएगा ऐसा कुछ ऐड होता था, और लेसंसी साबुन अभी नहीं आता है वो साबुन, ठीक है, लेकिन रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, रिलेट कर पाएंगे। और कुछ ये वाला ऐड, जैसे डेरी मिल्क का ऐड आता था, एक लड़की होती थी क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट खेल रहा होता था लड़का, और एक लड़की पूरा बॉर्डर वगैरह, मतलब वो जो होता है ना ढका रहता है फेंस वगैरह को, उसको तोड़ते हुए निकल के आती है, और ऐसे कुछ खास है जिंदगी में, कैडबरी डेरी मिल्क का ऐड आता था, ठीक है। और ब्योमकेश बख्शी, किस किस को याद है, चंद्रकांता का क्रूर सिंह जो कैरेक्टर है यक्कू, किस किस को याद है, बेताल पच्चीसी किस किस को याद है, ठीक है, शक्तिमान किस किस को याद है, नॉस्टैल्जिया भाई, नॉस्टैल्जिया, वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते दिन तो लौट ही आएंगे जब ब्लैक डायमंड काली मेहंदी लगाएंगे, नहीं आएंगे, काली मेहंदी लगाओ सफ़ेद मेहंदी लगाओ, बीते दिन कभी लौट के नहीं आएंगे भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। और फैक्ट से आप लोगों का जो सामना है ना, ठीक है, वो यहाँ पे मुखिया ही करवाता है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस भाई, लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत लिए हैं हमने, ज़्यादा लिए हैं कि मतलब हद है। लाल लाल कार्ड आया है कोई, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन्स, सिक्स ऑफ कप्स के बाद, सपोर्ट के बाद सीधा बर्डन, मतलब इतना सपोर्ट आपके कंधों को मिल रहा है उसके, वो इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट कि बस बर्डन ही हो गया, कि दब गया। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आप ही की एनर्जीज आ रही हैं अभी तक तो हमें, सिक्स ऑफ कप्स कुछ यादें जो है वो ज़ख्म देती है, कुछ यादें ज़ख्म देखती हैं, कुछ यादें नॉस्टैल्जिक वाली, बहुत आप देखिए मेमोरीज बोलते हैं ना कि मेमोरीज क्रिएट करनी है, बहुत मेमोरीज को क्रिएट कीजिए, ठीक है, तो क्रिएट उन्हीं मेमोरीज को आप लंबे टाइम तक, कुछ मेमोरीज को चेरिश उन्हीं मेमोरीज को करना चाहेंगे ना जो अच्छी मेमोरीज हो, जो ख़राब मेमोरीज हो क्या आप उनको चेरिश करना चाहेंगे, जो आपको बर्डन देता हो, जो आपको तकलीफ देता हो, नहीं, ऑब्वियसली नॉट,
थोड़े से कार्ड्स हम और लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सिक्स ऑफ कप्स के साथ टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। हालांकि कुछ यादें हैं ना, जिसको ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कुछ मेमोरीज़ है जिसको आप दफन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, किसी और से आप शायद एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो आपकी इन पुरानी तकलीफ़ों से आपको निजात दिलाएं। देखिए ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी हमने बोला ना, आप संकट से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। अरे भाई, ट्रबल जो होता है ना, उसको आपको खुद से भी एक मिनट रुकिएगा, बड़ा ही धीरे ही कार्ड आया भाई, और कार्ड आते ही नीचे गिर गया, ठीक है। हम यही चाहते थे, पता है, मतलब कुछ ऐसा ही चाहते थे कि कुछ ऐसा कार्ड निकल कर आए जो इस बर्डन को और इस एनर्जीज को थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सा इस एनर्जी, ये थोड़ी एनर्जीज जो है, इलेवन इलेवन देखो, हमने एस ऑफ कप्स का कार्ड है, लव लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसी बर्डन वाली एनर्जीज को थोड़ा सा कोई दबाए, थोड़ा सा इसको, देखिए आपकी जो यादें हैं, मुश्किल होता है बैड मेमोरीज़ को दफन करना, ठीक है। अच्छी मेमोरीज़ को तो जाहिर सी बात है आप दफन करना चाहेंगे नहीं, उनको तो आप हमेशा से ज़िंदा रखना चाहते होंगे ना। अभी हमने आपको क्या कहा कि हम यही कार्ड चाहते थे, ठीक है, यही कार्ड चाहते, ये चीज़ ना, ये चीज़ पता है, ये एस ऑफ कप्स है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हमको अब तक फॉलो करते हैं, आप हमको इतने लंबे टाइम से अगर आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारा नेचर अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे मन में चलता रहता है, या हम किस प्रवृत्ति के पर्सन हैं, पर्सनैलिटी आप लोगों को हमारी अब तक पता चल गई होगी, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड इन माई लाइफ, ठीक है। इस चीज़ को ढूंढने के चक्कर में हम बहुत गलत गलत लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, इस चीज़ को ढूंढने के चक्कर में, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि देखो, कई बार होता है ना कि आपको ना अपनी फैमिली के तरफ से, या अपने चाहे वो पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, कई बार ना आप एक बहुत ही ममतामयी छवि के लिए, या एक नर्चरिंग लव के लिए, एक पैम्परिंग, एक स्पेशल बॉन्ड के लिए ना आप तरसते रह जाते हैं। वो जो आपकी वो तड़पाहट है ना, वो आपको इतना डेस्परेट कर देती है कि आप सोचते हैं कि अगर घर पे ना सही तो हम बाहर ढूंढते हैं ना, कहीं और से मिले हमें, ठीक है, प्यारी तो चाहिए, कहीं ना कहीं तो मिल जाए। लेकिन अब आपको फिर से फ़र्क करना आना चाहिए कि जो प्यार आपको मिल रहा है, कहीं वो खैरात में तो नहीं मिल रहा आपको, भीख में, सिंपैथी के बेसिस पे, या कोई आपका एडवांटेज लेने के लिए तो वो प्यार नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि बदले में उसको आपसे कुछ चाहिए होता है। और हर बार, ठीक है, नॉट अ सिंगल टाइम, हर बार गलत लोगों से जाके टकराए हम, मतलब अपना सर फोड़ लिया हमने, ठीक है, कि एवरी टाइम आई मेट विथ रॉन्ग पीपल, ठीक है, हर बार गलत लोगों को ही अट्रैक्ट किया। अब हमें नहीं पता है कि कर्मा बिलीवर्स में भी, अभी भी हमने बोलते हैं ना कि सारे लोग आर नॉट गॉड्स चाइल्ड, यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव किस्म के लोग होंगे। देखो कमेंट, वो 100-150 कमेंट आते हैं, उसमें आपको बाकी लोगों के बारे में नहीं पता चलता है ना। अब 1500 व्यूज़ जाते हैं, 1500 व्यूज़ में क्या 1500 कमेंट कोई कर रहा है? 100-150 लोग कमेंट करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे। आप लोगों को भी उनका पता होगा कि हाँ, इनका कमेंट रेगुलर बेसिस पे मिनी के चैनल पे आता है, ठीक है, जब आप स्क्रॉल करते होंगे। लेकिन क्या उनमें भी आपको वो वाइब्स का पता चलता है? कमेंट में किसी की राइटिंग पे या किसी का कुछ पता चलता है? कौन कैसा है, किसका नेचर कैसा है, कौन क्या इंटेंशन से कमेंट लिख रहा है, नहीं पता होता ना यार। नॉट एवरीबडी इज़ अ गॉड्स चाइल्ड, नॉट एवरीबडी इज़ यू नो कर्मा बिलीवर्स, क्योंकि यहाँ पे फेक लोग भी हैं, आप मानो या ना मानो, समझ में आ जाता होगा आप लोगों को भी। बीइंग इंट्यूटिव और टैरो रीडर के होने के नाते हमें तो पता है कि यस,
देर आर फ्यू अनवांटेड एलिमेंट्स यहाँ पर भी, कुछ गांव में खराब लोग, हमने बोला ना कि एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, इसलिए हमने उसका बीड़ा जो है आपको सौंपा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखा करें कि कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपना माइंड ओपन रखें, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं ना, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि बाकियों के कमेंट्स भी आप पढ़ें कि कौन क्या लिख रहा है। बाकी क्या दिक्कत है, अच्छा लिखा है तो गॉड ब्लेस यू बोलो, छुट्टी करो, ठीक है। बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता है, रिपोर्ट करो उस चीज़ को। सारी जिम्मेदारी हमारी, मुखिया की है क्या सारी जिम्मेदारी? आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है। कर्मा बिलीवर्स हैं इस चैनल पे, इतने लंबे टाइम से हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब तक तो फ़र्क करना आ गया होगा ना लोगों में, आपको भी आ गया होगा, ठीक है। मुखिया ने इतना तो सिखा दिया है ना फ्री फंड में, वो भी तो फ़र्क करना तो अब तक आपको आ गया होगा। हालांकि जो रीडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ द लव, ठीक है। तो ये जो हम बोलना चाहते हैं वो यहीं पर बात आके वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि 90s वाला जो प्यार होता था ना, जो वो किसी के लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे, जैसा आपने हमेशा से ख्वाबों में सिर्फ तजव्वुर किया है। तजव्वुर बोला है, क्या बोला, वर्ड 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 सही बोला है, तजव्वुर होता है, क्या होता है, उर्दू वर्ड है ना, नहीं मालूम कि हमने सही जगह पे सही इस्तेमाल किया कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, जैसा आपने हमेशा से सोचा था, जैसे आपकी हमेशा से मंशा रही है, मन में एक विचित्र से आपने खा पाले होंगे ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो कैसा होता, ये होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता, है ना, तो तुम होती, वही वाला कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो यहाँ पे जैसा प्यार आपने हमेशा से चाहा है, ठीक है, तो वो वाला प्यार, चाहे आप कुछ को बाबू सोना जादू टोना वाला प्यार कहें, भाई पैम्परिंग वाला निब्बा निब्बी होता था ना यार, तब भी होता था एक मासूम लव स्टोरी, ठीक है। अगर आपको वैसा वाला, जैसा वाला इश्क वाला लव, मतलब जैसा वाला प्यार आपके मन में आप हमेशा से चाहते थे, वो वैसा वाला प्यार किसी की लाइफ में आ रहा है जैसा वाला प्यार आप चाहते थे, अरे नहीं सर, कुछ अलग आया है इस बार रीडिंग में। वो इसलिए भी हम कह रहे हैं ना क्योंकि ये सिक्स ऑफ कप्स पास्ट चीज़ों को बुला, पास्ट से कनेक्ट होता है। सिक्स ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट पास्ट मेमोरीज, ठीक है, बचपन आपका। तो यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है जैसे आपने 90s वाला प्यार, ठीक है, स्पेशली, हाँ एग्जैक्टली 90s वाला प्यार, फ़ोन नहीं होते थे ना यार तब, वो कबूतर जा जा जा, ठीक है, आपको क्या लगता है कोई हेड भी गाएगा उल्लू, मतलब हॉगवर्ड्स चिट्ठी लेके, या कोई पिजन आएगा कबूतर? और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो 90s वाला प्यार किसी को, आप अगर आपके मन में ऐसा, आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, तो यस, दैट काइंड ऑफ अ लव इज़ कमिंग योर वे, ठीक है। जहाँ पर एक नॉस्टैल्जिक वाली वाइब्स आएगी आपको। एट ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन, एस ऑफ कप्स के साथ ये कोई जाना पहचान इंसान भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का पहला कार्ड आया है, तो कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, और किसी का कम्युनिकेशन, इनफैक्ट ये कार्ड ही हम सोच रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हमने यही सोचा था कि एट ऑफ वांड्स का कार्ड जब आया ना, तब हमको लगा कि एस ऑफ वांड्स आया है, बट वो एट ऑफ वांड्स था, अब आया है एस ऑफ वांड्स, ठीक है। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर गाइस, ठीक है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, लेकिन ये पैशनेट भर भर के इसमें ना आग लगी, लेकिन वो कितना भी पैशन हो, मासूमियत नहीं हटेगी, 90s वाला प्यार, ठीक है, जो तब के ज़माने में होता था, काजोल और शाहरुख खान वाला। अभी ये दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाला नहीं है, ये वो वाला 90s वाला है, जब काजोल और शाहरुख खान वाला DDLJ वाला जो प्यार होता था ना, वैसा था। किसी का लव कन्फेशन आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लव कन्फेशन,
थोड़ा सा मैं आगे देखते हैं क्या है। आपको बहुत सारे ये जो लव कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है ना, ये आपके आपके कंधे से बहुत सारे ना बर्डन्स को मुक्ति देकर जाएगा। ऐसा क्यों मतलब समझेंगे, हम थोड़ा सा कार्ड और निकालते हैं कि इस प्रकार की एनर्जीज क्यों आ रही है, किस प्रकार की मुक्ति, कौन सा मतलब बर्डन है आपके कंधों पे भाई, ऐसा कौन सा भार लेके बैठे हो, कुली हो क्या, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरी दुनिया का बोझ आप ही नहीं उठा रखा है, नहीं क्यों उठा रखा है आपने, जाहिर सी बातें क्यों उठाया है, हैं कुली हैं आप। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली बोझ उठा रखा है यार, टेन ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी है, लेकिन पैशन की कमी नहीं है यहाँ पे। वॉन्ड्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, फायर साइन मतलब किसी के मन में ना जो पैशन है ना वो ऐसे आग आग की तरह धधक रहा है, ज्वाला मतलब फटने ही वाला है, हैं मत फटिएगा भाई, फटिए नहीं अभी, ठीक है दिवाली का टाइम है, दिवाली पे फटिएगा अभी फटने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन, नाइस, कार्ड्स के जो कीवर्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, लक, लक से याद है टिम लक लक ते टिम लक लक, देर इज़ अ ऑफर, डेफिनेटली ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर लिखा है जेनरोसिटी, ओके लक जेनरोसिटी भाई, अपनी ब्लेसिंग्स ना अपने तक सीमित रखिए, जब आपके पास अगर यार ब्लेसिंग्स वो होती है ना जो आप अपने आप को अपने आप तक रखते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स जो होती है ना वो बोलते हैं ना कि बांटने के लिए नहीं है, लेकिन हम आपको हमेशा से बोलते हैं ना कि डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, दुआएं दीजिए दुआएं लीजिए, ब्लेसिंग्स दुआएं ही तो होती है ना, तो ब्लेसिंग्स आपके जेनरोसिटी, बी जेनरस टूवर्ड्स एवरी वन, कितनी भी आपके पास ब्लेसिंग्स है आप वो डबल ट्रिपल काउंट होके मतलब टेन फोल्ड्स होके आप ही को मिलेंगी, लेकिन कंजूसी मत कीजिए दुआएं देने में, ठीक है, बी जेनरस टूवर्ड्स एवरी वन, यहाँ पर लक का कार्ड है, लक के साथ जेनरोसिटी का कार्ड है। एंजल ऑफ प्रोफेसी, द हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी, पहला मेजर अरकाना अब आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो हेयर कम्स द डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये रहा पेंटिकल्स, यहाँ पे ये रहा पेंटिकल्स, दोनों एक दूसरे को सामने आमने सामने पेंटिकल्स देने को तैयार हैं। टू ऑफ कप्स वाली भी इक्वल गिव एंड टेक वाली भी आपको वाइब्स आएगी इसमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यहाँ पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ ऑन द वे टूवर्ड्स यू, ठीक है, अब या तो आप इस पर्सन को जानते हैं या आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं, बट देर इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट, और ये वो पर्सन है जो आपको नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग कराएंगे, ठीक है, दिस पर्सन इज़ क्वाइट वेल्दी ऑल्सो, स्टेबल है मनी वाइज फाइनेंसिस वाइज, एक बहुत अच्छी पोजिशन पर ये पर्सन है इस समय, ठीक है, आप भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसके ऊपर ये छिपकली बैठी है ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मैं बहुत ही, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यार ये पिक्चर में कुछ और भी तो हो सकता था, यहाँ पे ये छिपकली क्यों बनी हुई है, इसके ऊपर वो भी
तो ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो देर इज अनदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है, जो आपको डिजायर करते हैं। यहाँ पे फायर साइन आपको पता है ना, फायर साइन है कैप्रिकॉन वर्गो एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आए हैं, ठीक है। पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जाहिर सी बात है मैच तो नहीं है ये। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तो किंग ऑफ पेंटिकल्स होंगे, लेकिन यू आर बीइंग डिजायर्ड बाय मैनी। आपका ग्लो अप कल ही आया था ना, बस चुपचाप शांति से बैठ जाइए, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रपोजल्स आएंगे, ठीक है। आपको कि पीपल वॉन्ट, है ना, मतलब बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं इस समय, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो करने वाले हैं, ठीक है। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर आपको खुद दिखाई देगा कि लोग आप कितने डिजायरेबल हैं, ठीक है। सडनली आपका ग्लो अप ऐसा, पहले तो नज़र ना लगे भाई, हमारे कर्मा बिलीवर्स को हरगिज़ ना नज़र लगे, वैसे ही जो है नज़र लगाने वाले लोगों की कमी तो है नहीं, ठीक है। हमारे गांव वासी हमेशा खुश रहे हैं, मुखिया का फर्ज बनता है, प्रजा खुश तो राजा भी खुश, है ना। नहीं, हम राजा नहीं हैं, मुखिया, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स कंट्रोल, ओके। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक तो यहाँ पे फायर साइन के कुछ, फायर साइन का भी कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, एक यहाँ पे अर्थ साइन के हैं, तो डजेंट हैव टू बी कि ऐसा हो, दूसरे साइंस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस समय करना क्या है कि अगर तो इनके साथ आपका पुरानी कोई हिस्ट्री रही है, आप इस पर्सन को जानते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं विद सम काइंड ऑफ अ सॉलिड कन्फेशन या किसी प्रकार का, हाँ कन्फेशन है, ज़्यादातर लोगों के लिए कन्फेशन है, कोई अपने लॉन्ग डीप डिज़ायर थॉट्स को फाइनली कोई एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। काफ़ी लंबी ये जर्नी रहने वाली है, जिसमें ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक का जो अपने अंदर की आग है ना, उसको शांत करेंगे, सब आपको क्लियर कट सब कुछ बताएंगे। अब तक अगर आपने किसी चीज़ को लेके एजम्पशंस ही आप लगाते रह गए, तो फाइनली आप वो पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि ओके, सो दिस वाज हाउ इट वाज, मतलब ऐसी चीज़ें ये हो रही थी बिहाइंड द सीन्स और ये था, मतलब ओके। तो फाइनली आप उस समेशन पे पहुंचेंगे कि अच्छा, तो चीज़ें इस प्रकार से थीं और आप क्या सोच रहे थे। हाँ, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स है कंट्रोल, कहने का मतलब है हम आपको यही बोलना चाहते थे कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई लौट भी रहा है और आपका इनके साथ कोई हिस्ट्री भी है, पुरानी चीज़ों को खोद के निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन इनिशिएटिव लेके चीज़ों को रीस्टार्ट कर रहा है या कुछ नया शुरू कर रहा है, तो आपको, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसी फ्लो फ्लो में, उसी उसी चीज़ में, बात में उस चीज़ को आगे या तो बढ़ने दें, या तो अगर आपको नहीं चाहिए तो बस जाने दें, जाने दें, थोड़ी हवा आने दें, निकालो अपनी लाइफ से फुल एंड फाइनल, है ना। तो एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई गुंजाइश है चीज़ों के आगे ठीक होने की, नेक्स्ट लेवल पे अगर आप इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से हो, तो पुरानी चीज़ों को खोद के निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप डीपर जाएंगे, गलतियाँ आपकी भी निकल के आएंगी, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आप ये चीज़ अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक द कंट्रोल, किसी और को अपने आप को कंट्रोल करने की इजाज़त मत दीजिए, ठीक है। एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये कार्ड एक्सपेक्टेड है, वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे आया है डेथ का कार्ड। स्कॉर्पियो एनर्जीज,
काफी। फाइनल कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स गॉसिप। आपको पता है कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्टॉकिंग का होता है। गाइस आपको ना बहुत सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं इस समय, ठीक है। स्टॉक करने के अलावा गॉसिप यानी आपके बारे में बहुत सारी बातें भी चल रही हैं, विचित्र बातें। ऑब्वियसली कुछ अच्छी बातें भी हो रही होंगी, कुछ बुरी बातें भी हो रही होंगी। ग्लो अप हो रहा है तो अच्छी बातें हैं कि लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि ग्लो अप क्यों हो रहा है, ठीक है। हाँ अब कोई रिलेशनशिप में आए होंगे आप, ठीक है, माइट पॉसिबल कि अब आप सिंगल नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को एक साथ मल्टीपल पीपल के साथ आपका अफेयर चल रहा होगा, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ डेट कर रहे होंगे। भाई लोगों का काम है कहना, आप ही बोलते हैं, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है, ठीक है। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, आपके स्केल्स बैलेंस्ड हैं। दूसरी बात, देर इज़ सम काइंड ऑफ अ कर्मा विच इज़ अबाउट टू पे यू। आपको ना किसी प्रकार का कर्मों का, अच्छे कर्मों का मतलब, कर्मों का मतलब अच्छे कर्मों का, आपके कुछ पुराने अच्छे कर्मों का किसी प्रकार का एक फल आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। और इस बार ये फल वाकई में मीठा होगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आपने बहुत सब्र रखा, आपका धीरज, आपका जो पेशेंस है वो आपको पे ऑफ होने वाला है। इसलिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक है। थैंक गॉड, दो तीन दिन से जस्टिस का कार्ड, जजमेंट का कार्ड इस डेक में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये डेक भी हमारे लिए काफ़ी लकी साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड देख के ना एक, देखो अंदर से ना एक होप मिल जाती है। भाई रेगुलर बेसिस पे हर दिन तो बीत रहा है, देखो रेगुलर दिन बिल्कुल बराबर है, जैसा रोज का होता है वैसे ही है। कल का दिन जैसा था आज का दिन भी वैसा है, आज का दिन जैसा है कल का दिन भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। कुछ नयापन नहीं है, लेकिन ये जस्टिस आपको होप तो दे के जाता है ना कि कार्ड में जस्टिस आया है, देर सवेर मिल जाएगा, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इसके बाद जो भी होता है वो लगा लेना, ठीक है। मैथ्स कमज़ोर है हमारी, तो दिन बीत रहा है, एक करके दिन बीत रहा है, कभी ना कभी जस्टिस आएगा ही। कर्मा देवता अपना काम कर रहे हैं, जितने आपके वाइट बॉल्स अच्छे रहेंगे, जितने आपके कर्माज बैलेंस होंगे, जस्टिस उतनी जल्दी आपको उतनी तीव्र गति से मिलेगा। तो अपना फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों पे लगाइए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का अच्छा नहीं किया जा सकता है, कोई बात नहीं, मत कीजिए किसी का अच्छा, लेकिन किसी का बुरा भी नहीं करना है। कुछ मत करो ना यार, क्या दिक्कत है, कुछ मत करो, न्यूट्रल रहो ना, क्या दिक्कत है। तो ये रहा जस्टिस, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से गाइस, यहाँ पर कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, सबको अपना अपना कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। जो भी गॉसिप चल रहा है, स्टॉकिंग, हमेशा हम आपको बोलते हैं स्टॉकिंग इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। स्टॉकिंग कौन करता है, किसी के ऊपर नज़र रखना, किसी की प्राइवेसी में घुसे चले जा रहे हो ज़बरदस्ती, ठीक है। स्टॉक करना, स्पाई करना किसी को गलत है ना, अच्छा तो नहीं है। आप कहीं पर भी किसी भी पूछ लो, किसी को स्टॉक करोगे तो वो अच्छी एनर्जीज नहीं होती है, नेगेटिव एनर्जीज में आती है, डेविल इंटेंशन से होता है। किसी को, किसी की प्राइवेसी में घुस रहे हो ना यार, किसी की, आप किसी की लगातार किसी पर नज़र रख रहे हो, किसी की फ़ोटोज़ चेक कर रहे हो, किसी की लाइफ में घुस रहे हो, कौन किससे बात कर रहा है, क्या ज़रूरत है, नहीं करना चाहिए। और अगर स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं तो वो कभी भी हेल्दी में काउंट नहीं होती है। और यहाँ पर तो गॉसिप है लिटरली, तो आपके बारे में आपके पीठ पीछे लोग बहुत गॉसिप कर रहे हो। गॉसिप तो आपको पता है अच्छी बात तो होती नहीं है, गॉसिप इज़ नेगेटिव बैड। तो जो लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे गंदी गंदी बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उनको भी उनका कर्मा मिलेगा। समथिंग इज़ अबाउट टू पे ऑफ, ठीक है। भर भर के आपको अपने कर्मों का जो फल है ना, वो तो सब्र का मीठा वाला फल मिलेगा, वो भी आपको भर भर के मिलेगा। लेकिन जो ये गॉसिप कर रहे हैं ना आपके पीठ पीछे, गंदी गंदी उल्टी सीधी जो अफवाहें फैला रहे हैं, रूमर्स आपके लिए, तो उनको भी उनके कर्मों का बहुत ही गंदा वाला भुगतान भुगतना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो यस, देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ आपका आउटर जो क्या बोलते हैं यार, आउटर, आपका आउटर अपीयरेंस जो है, बाहरी जो आप अपीयरेंस है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा आपका आउटर ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। कैसे, ग्लो अप, ठीक है। आपका जो ग्लो अप है वो दिखाई दे रहा है, वो चेहरे पे आपके झलक रहा है या झलकेगा, जो भी है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की बहुत अच्छी जर्नी पे हैं आप। फाइनली हमें ऐसा लग रहा है कुछ लोग 60 पे आ गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग 40-50 से 60 पे आए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्दी बनानी पड़ेगी आप लोगों की। 60 पे आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं 60 पे यार, ठीक है। तभी तो यहाँ पर ये हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, डेथ का भी कार्ड है। अच्छा, दो मेजर अरकान आए हैं आज आपकी रीडिंग में। नहीं, यहाँ पर ये लिब्रा भी है, लिब्रा, ठीक है, और हैंग्ड मैन पाइसिस है, डेथ इज स्कॉर्पियो। पता नहीं क्या बज रहा था, ठीक है। तो ये गाइस, एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, एक्सपेक्ट कन्फेशन, ठीक है। यहाँ पे किसी का कन्फेशन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और आपका अगर इनके साथ कोई हिस्ट्री रहा है तो एक्सपेक्ट एंड कम्युनिकेशन विद कन्फेशन, खासकर कन्फेशन किसी का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद अ न्यू फ्रेश न्यू चैप्टर इज़ अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ, एकदम नया चैप्टर लिखा जाने वाला है, कि और वो भी 90s वाला लव, ठीक है, 90s वाला लव। यू आर गोइंग टू यू नो रिजॉयस दोस 90s फेज, 90s वाला जो इरा होता था ना, 90s वाला गोल्डन, तो कुमार सानू वाला, ठीक है, उदित नारायण वाला, जो लोग रिलेट कर पाएंगे ना उनको पता होगा कि हाँ वो टाइम बहुत ही खूबसूरत होता था। तो यस, तो उस टाइप की जो वाइब्रेशंस है, उस टाइप का जो लव है ना, वो आप जिएंगे। अभी का जो ये वाला, जो अभी का जो टाइम चल रहा है ना प्यार वाला, वो तो वाहियात है, ठीक है, वाहियात है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, हम मुखिया आपको जैसा बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके भी विचार वैसे हों, लेकिन अभी तो वाहियात है, ठीक है। अभी जो किसी को प्यार का मतलब समझ में नहीं आता है, सबके लिए प्यार, ठीक है, नहीं उस चीज़ में हमें जाना है, लेकिन बैड बैड डेविल इंटेंशंस है सबकी, सबको बस मतलब का है, मतलब का मौका परस्ती है, ठीक है, भेड़ चाल है कि ऐसा वैसा वो कर रहे हैं तो हमें भी वैसे ही करना है, कुछ वो नहीं है। लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, इसलिए बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो 90s वाला जो जेन्युइन लव होता था ना, वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस प्यार को जिएंगे। लवली लवली एनर्जीज, ठीक है। और यस, लक इज़ ऑन योर साइड गाइस, ठीक है। ऑब्वियसली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये, जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। देर इज़ अ वेल्दी पर्सन फॉर श्योर, अच्छी पोजिशन में है, और एक पर्सन से नहीं, मल्टीपल पर्सन आपको, मल्टीपल लोग आपको लव ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। ग्लो अप हो या जो भी, जैसा भी कोई कुछ भी हो भाई, लेकिन यू विल बी शावर्ड विद लॉट ऑफ यू नो लव, बॉम्बार्ड किया जाएगा एकदम आपके ऊपर ना, लव लव बॉम्ब जिसको बोलता है, फोड़ दिया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। मतलब भर भर के प्यार आ रहा है आपके लिए लाइफ में, प्यार, मेरा प्यार गाना है ना, शालीमार। तो ओ ये देखो कार्ड ऐसे करके ऐसे हो गया, अपने आप उछल के निकल गया, और ये रहा फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो या कोई भी भाई सोलमेट हो, झोलमेट हो, जैसा भी हो, लेकिन हाँ डिवाइन काउंटर पार्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। और हमने बोला ना वो मासूमियत, वो 90s वाला, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत प्योर एंड सेक्रेट डिवाइन लव आपकी लाइफ में आ रहा है, डिवाइन जिसे बोलते हैं, हाउ स्वीट डिवाइन, ठीक है, तो डिवाइन लव। तो चलिए हम चलते हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है आपको, ठीक है, गाइडेंस के तौर पे ले लीजिएगा और जाने दीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, हो सकता है किसी और के लिए हो, ठीक है। तो ये थी, अभी हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, सारा रहिए, गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। तो हम चलते हैं, और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और क्या बोल रहे थे, जरूरी सूचना क्या थी, हाँ, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हम चलते हैं, तक ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे ही, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।